ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وإن أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. عزاداران حسین مجلس صبح عاشورا کس کے سوگ میں بیٹھے ہوئے ہو؟ حسین تم سے رخصت ہو رہے ہیں، عاشور کی قیامت خیز رات گزر گئی، تمام رات سیدانیاں اپنے بچوں کو سجاتی رہیں، امام وقت پہ قربان کرنے کے لیے زینب نے اپنے دولو لال سنبھالے، قریب بلایا اور ایک جملہ کہا، اون محمد تم جعفر تیار کے پوتے ہو، حیدر کرار کے نواسے ہو، صبح قربانیوں کا دن ہے، میں چاہتی ہوں تم دونوں قربان ہو جاؤ، میرا اکبر بچ جائے، میرے لال ماں کو شرمندہ نہ کرنا، حسن کی بیوہ مادر قاسم اپنے لال سے رات بھر کہتی رہی،
कासिम बेवा माँ का ख्याल रखना, मुझे बतूल से शर्मिंदा न करना। मैं गैर हूँ, अहले बैत यही कहेंगे कि माँ गैर थी इसलिए अपने बच्चे को बचा लिया, मेरा बच्चा ज़िबा हो गया। अदादारान हुसैन सारी रात इसी तरह इबादत होती रही। आखिर नमाज सुबह का वक्त आया, इमाम हुसैन खेमे से बाहर आए, आवाज दी, बेटा अली अकबर अजान दो। बेटा अली अकबर अजान दो मेरे लाल, शहादत का वक्त करीब आ गया है। हुसैन के कड़ियल जवान ने करबला की रेत पे तयम्मुम किया और अजान कहना शुरू की। जब अकबर ने पहली मर्तबा कहा अल्लाहु अकबर, अदादारों अब भी रोने के लिए कुछ कहना है? बतूल का घर उजड़ने वाला है, हुसैन चंद घंटे का मेहमान, खाक पर बैठे हुए हो। अकबर ने जब कहा अल्लाहु अकबर तो जनाबे ज़ैनब ने आवाज दी, भाभी उम्मे लैला, भाभी रबाब, उम्मे फरवा, फिजा, रुकैया, कुलसूम, सबके सब मेरे खेमे में आ जाओ, मेरे अकबर के लिए दुआ करो, खुदा इस आवाज को सलामत रखे। खुदा इस आवाज को सलामत रखे। सैदानियों ने सरों के बाल खोले, ज़ैनब ने आवाज दी, फिजा जरा भाई से जाकर कह दे कि तेरी बहनें मेरे खेमे में सब जमा हो गई हैं। अकबर से कहो जरा अजान बुलंद आवाज से दे। हुसैन की बहनें, अकबर की फुफिया, अकबर की अजान सुनना चाहती हैं। फिजा ने पैगाम दिया, हुसैन अकबर के करीब गए, कहा बेटा अजान जरा बुलंद आवाज से दो, मेरी सारी बहनें तेरी आवाज सुनना चाहती हैं। अदादारों दिलों पे हाथ रख के जुमला सुनो। अकबर ने कहा बाबा आप तो इमाम हैं, आप दुआ कीजिए मेरी आवाज में इतनी ताकत हो कि खेमे में आपकी बहनें सुने और मदीने में मेरी बहन फातिमा सुग्रा जो मेरा इंतजार कर रही। जज़ाकल्ला जज़ाकल्ला। हाँ, इस तरह रो मेरे नौजवानों। ज़ैनब ऐसे ही चाहती है, ज़ैनब ऐसे ही चाहती है। शहजादी ज़ैनब कहती है मेरे अकबर का जब नाम आया करे तो जवानों ऐसे रोया करो
जैसे ज़ईफ माँ अपने इकलौते जवान की मैयत पे रोती है। अकबर ने कहा बाबा आप इमाम हैं, एजाज अता कीजिए कि इस खेमे में आपकी बहनें सुने। मदीने में मेरी बीमार बहन मेरी आवाज सुने। हुसैन ने बेटे की फरमाइश पूरी की। अकबर ने सीने का पूरा तोड़ लगा कर कहा अल्लाह अकबर। अकबर की आवाज फजा में तैरती हुई मदीने की गलियों में पहुंची। अकबर का इंतजार करने वाली सुगरा एक मर्तबा असा का सहारा लेकर खड़ी हो गई। एक मर्तबा असा का सहारा लेकर खड़ी हो गई। उम्मे सलमा के हुजरे में गई, शाना पकड़ के हिलाया, नानी उठो मेरा अकबर आ गया, मेरा भाई आ गया। नानी मैंने अभी आवाज सुनी, मेरा भाई मुझे लेने आए हैं। करबला में अजान हो गई, करबला में नमाज सुबह मुकम्मल हो रही थी कि एक मर्तबा दुश्मन की तरफ से तीरों की बारिश हुई। हुसैन का बूढ़ा सहाबी सईद हुसैन की सिपर बन के खड़ा हो गया। इमाम नमाज पढ़ाते रहे, सईद इमाम के हिस्से के तीर अपनी बूढ़ी पसलियों पे लेता रहा, अपनी बूढ़ी पसलियों पर तीर लेता रहा। इधर इमाम ने नमाज तमाम की, उधर सईद जमीन पे गिरा, उधर हुसैन जमीन पे बैठे, सहाबी का सर जानू पे रखा, आहिस्ता से तीर निकालना चाहा तो सईद कहता है मौला नहीं, मौला नहीं, मैं इसी हालत में आपके नाना की खिदमत में जाना चाहता हूँ ताकि कह सकूं या रसूल अल्लाह हक़े रिसालत अदा करके आ रहा हूं। जज़ाकअल्लाह। रोते रहिए, चंद लम्हे और, कयामत का सूरज तुलू हो रहा है, आशूर का दिन है। सुबह सुबह नमाज से फारिग होकर हुसैन खेमे में आए, बहन ज़ैनब को बुलाया, ज़ैनब अब हमारी जुदाई का वक्त करीब है, ज़ैनब आओ अब जिम्मेदारियां संभाल लें। बहन ने कहा भाई क्या हुक्म है? ज़ैनब मैं मक्तल से लाशें लाता रहूंगा, तुम उन शहीदों पे मातम करते रहना। अरे मेरी जिंदगी में मातम कर लो, मेरे बाद तुम्हें कोई रोने भी नहीं देगा। हाथ गर्दन से बांध दिए। हाथ पसे गर्दन से बांध दिए जाएंगे। अदादारों, करबला में मैदाने कारदार शुरू हो गया, अंसार के लाशें आना शुरू हुए। हाय मेरा गरीब मौला, एक एक के लाशें पर पहुंचा। एक एक लाशे पर मेरा मौला पहुंचा, एक एक लाशा उठा कर लाया। कभी हबीब का लाशा लाए, कभी जुहैर का लाशा लाए, कभी मुस्लिम इब्ने औसजा का लाशा लाए। लाशा लाते गंजे शहीदा में छोड़ जाते। रावी कहता है हुसैन का आलम ये था, एक लाशा लाते थे तो दूसरा शहीद आवाज देता था या मौला हो अदरिकनी।
अंसार के बाद अदादारों आयजा का नंबर आया। औनो मोहम्मद के लाशे हुसैन लाए, औनो मोहम्मद के लाशे हुसैन लाए। अदादारा ने हुसैन हुसैन एक एक लाशा लाए, लेकिन जब हसन का लाल घोड़े से गिरा, जिसका नाम कासिम था, हुसैन उसकी मदद के लिए चले, तो एक मौलाना आजर हसन जैदी जुमला कहते थे, अगर तुम समझ गए तो आशूर के मसाइब का हक अदा हो जाएगा। जैदी साहब कहा करते थे, जब तक कासिम जीन पर था, कासिम था, जब जमीन पे आया तो तकसीम हो गया। जज़ाकअल्लाह। अल्लाह आपको कोई गम न दे सिवाय गमे हुसैन के। अदादारों, कितने टुकड़े थे कासिम की लाश के, ये पता नहीं चल सका। हाँ, अल्लामा रशीद तुराबी कहा करते थे कि हुसैन मैदाने करबला में आए, आवाज दी, कासिम कहाँ हो बेटा, आवाज क्यों नहीं देते, आवाज दो मेरे लाल। कासिम बोलो, हमें लाशा नजर नहीं आ रहा। अजादारों, लाशा होता तो नजर आता ना, हमें लाशा नजर नहीं आ रहा। हमीद कहता है, जब दो मर्तबा हुसैन ने आवाज दी और कासिम की आवाज ना आई, तो इमाम एक बुलंदी पर चढ़े, चढ़कर जलाल के आलम में कहा, कासिम, इमाम वक्त बुला रहा है, लब्बैक कहो। रावी ने कहा, मैंने देखा जब इमाम ने हुक्म दिया तो कासिम की लाश के टुकड़े फजा में उछलने लगे, हर टुकड़े से आवाज आई, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्ला। मौला तुम्हें सलामत रखे। अदादारों, लाश के टुकड़ों को फजा में देखा हुसैन ने, तेजी से लाश के टुकड़ों की तरफ बढ़े। अदादारों, ये वाहिद लाशा है जिसके करीब पहुंचकर हुसैन जैसा साबिर जमीन पर हथेलियां टेक कर बैठ गया और आसमान की तरफ रोक करके कहा, मेरे अल्लाह, मैं गरीब हो गया। जज़ाकअल्लाह, मेरे अल्लाह, क्या पुरसा दे रहे हो, फातिमा जहरा को लाल का पुरसा, उजड़े हुए घर का पुरसा, इसी तरह तो रोते हैं। अदादारों, हुसैन ने कहा, मैं गरीब हो गया। कासिम की लाश के टुकड़े लाए, कासिम की लाश के टुकड़े लाए। आखिर में वो नौबत भी आई, अब्बास के कटे हुए बाजू लाए। ये वक्त भी आ गया कि अली अकबर का लाशा उठाया। 54 बरस का बूढ़ा बाप, 18 बरस का कड़ियल जवान। रावी कहता है, मैंने देखा हुसैन ने किसी को मदद के लिए नहीं पुकारा, बूढ़े कांधे पर खुद अकबर का लाशा लेकर चले। मगर हमीद कहता है, मैंने देखा कि चलते चलते हुसैन अचानक रुके, अकबर का लाशा कांधे से उतारा, जमीन पे रखा और ये कहते हुए खेमे की तरफ दौड़े, अकबर माफ करना, जैनब खेमे से बाहर आ गई। अदाकल्ला जदाकल्ला। अब करो ना माता मजादारो। जदाकल्ला जदाकल्ला। अकबर माफ करना, बेटा फूफी जैनब खेमे से बाहर आ गई। जैनब के करीब आए, जैनब मेरी जिंदगी में बाहर ना आना, मैं लाशा ला रहा। अदादारों,
चंद जुमले और, बहुत फुर्सा दिया, बहुत बुका किया, मेरी आवाज में ताकत नहीं है, सिर्फ चंद जुमले और मसाहिब के सुन लीजिए। बहन को खेमे में वापस भेजा, वापस आए हमीद कहता है, अब जो हुसैन ने लाशा उठाना चाहा तो बूढ़े बाप से करियल जवान का लाशा उठ नहीं सका, अब कांधे पर नहीं उठा सके। हुसैन जमीन में बैठ गए, अकबर के बाजू पकड़े, कमर पे लाशा उठाया और जवान बेटे को हुसैन इस तरह खेमे में लेकर चले जैसे नमाजी रुकू के हालत में जाता। क्या सुन रहे हो दादारो, क्या सुन लिया आपने? इस तरह चले जैसे रुकू की हालत में नमाजी जाता है, इस तरह लाशा ला रहे थे कि अकबर के पांव जमीन में खत देते आ रहे थे। सीने का खून एड़ियों से बह रहा था। जैनब ने खेमे का पर्दा उठा के देखा, तड़प के कहा, भैया मैंने बड़े नाज से पाला। जज़ाकअल्लाह। ज़ैनब ने तड़प के कहा, भैया मेरे लाल को ऐसे न उठा, मेरे बच्चे के पाँव में तकलीफ होगी, भैया इजाजत हो तो मैं लाशा उठाने में मदद करूं। हुसैन ने कहा ज़ैनब ये बच्चे का लाशा नहीं है, ये करियल जवान का लाशा है, ये तुमसे नहीं उठेगा। अदादारो मीर अनीस का शेर सुनोगे, ज़ैनब जवाब देती है, भाई से न उठेगा, लाशा है बराबर का, अरे मैं पालने वाली हूँ, गोदी में उठा लूंगी। ए भैया मैंने 18 बार, जज़ाकअल्लाह। मैं पालने वाली हूँ, गोदी में उठा लूंगी। अकबर का लाशा आया और आखिर में हुसैन ने सबसे बड़ी कुर्बानी पेश की। रबाब झूले से अली असगर को ले आ, ये हुसैन की सबसे बड़ी कुर्बानी थी। हुसैन असगर को तीरों की जद पे लाए, हुरमला ने तीर चलाया, बच्चा ज़िबा हो गया। जज़ाकअल्लाह, बच्चा ज़िबा हो गया। अदादारों तीर से कोई ज़िबा नहीं होता, मगर तीर इतना वजनी था, बच्चा इतना छोटा था कि इधर से इधर तक ज़िबा हो गया। बच्चा बाप के हाथों पे तड़पा, आसमान लर्जा, हुसैन ने गले से तीर खींचा, आसमान की तरफ फेंकना चाहा। ले लो सांस, ले लो कि मैं 2-4 जुमले कयामत के कहने जा रहा हूँ। आशूर का दिन है, मौला तुम्हें कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के। आसमान से जवाब आया, मौला अगर ये खून चला गया तो आसमान से पानी न बरसेगा, मौला ज़मीन पे गिर गया तो ज़मीन से पैदावार नहीं होगी। औलाद वालों अब मुझे बताओ हुसैन क्या करे। असगर का खून लेकर कहाँ जाए, हुसैन को कोई रास्ता नजर नहीं आया। रोज़े रसूल की तरफ रुख करके कहा, नाना अब मुझे बताओ मैं ये मासूम का खून कहाँ ले जाऊँ, आसमान कबूल नहीं करता, जमीन बर्दाश्त नहीं करती। पुश्ते हुसैन से किसी बीबी के रोने की आवाज आई, हुसैन घबराता क्यों है, मैं तेरी माँ फातिमा आ गई, ला मेरे असगर का खून मेरे चेहरे पर मल दे, मैं कयामत के दिन इस्तगासा। जज़ाकअल्लाह जज़ाकअल्लाह। मैं
قیامت کے دن استغاثہ کروں گی استغاثہ کروں گی اصغر کا خون منہ پر مل کر جاؤں گی. اصغر کی قبر بنائی اصغر کی قبر بنائی آخری رخصت کے لیے آئے زینب سلام ام کلثوم سلام رباب سلام لیلا سلام اما کی کنیز فضا سلام سکینہ خدا حافظ حسین رخصت آخر کے بعد خیمے کے دروازے پر آئے ذوالجلال موجود تھا کوئی سوار کرانے والا نہیں تھا. ادادارو رات آپ نے مجھے پڑھنے نہیں دیا رات آپ بیتاب ہو گئے تھے برداشت نہیں کر سکے تھے وہ جملہ جو رات مکمل نہیں کر سکا تھا وہ سن لو اسی جملے پر مجلس ختم کر دوں گا. حسین سجدے میں گئے شمر خنجر لے کر آگے بڑھا 70 قدم کے فاصلے پر بہن نے بھائی کے گلے پر چلتا ہوا خنجر دے جزاک اللہ بس اب رو ادادارو ادادارو جناب سکینہ برابر میں کھڑی ہوئی تھی. جناب سکینہ نے کہا پھپھی اماں کیا بابا کو علم نہیں تھا کہ ظالم اصغر کو پانی نہیں دیں گے. دیکھو امام کی بیٹی ہے نا شرعی مسئلہ پوچھا ہے. جناب زینب کہتی ہیں ہاں میرے لال تیرے بابا امام تھے انہیں علم تھا کہ اصغر کو پانی نہیں ملے گا. سکینہ کہتی ہے پھپھی اماں پھر مانگا تھا کیوں. ادادارو مجھے رات کے جملے مکمل کرنے ہیں حوصلے سے سن لینا. جناب زینب کہتی ہیں پانی اس لیے مانگا تھا تاکہ اتمام حجت ہو جائے کوئی یہ نہ کہے کہ بچے کو ہم پانی پلا دیتے اس لیے حسین نے اتمام حجت کی تھی. سکینہ کہتی ہے پھپھی اماں پھر یہ تو مجھے بھی پتا ہے کہ شمر چھوڑے گا نہیں مگر اجازت ہو تو ایک مرتبہ بابا کے پاس چلی تو جاؤں شمر سے کہہ کر تو دیکھ لوں شاید میرے بابا کو چھوڑ دے. سکینہ کو اجازت ملی یہاں میں نے مسائل چھوڑے تھے. بچی نے ننھی سی چادر سر پہ رکھی تلائے زینبیہ سے اتری راستے میں 5000 گھوڑوں کی قطاریں تھیں. سکینہ کا بابا دوسری طرف ایک مرتبہ سکینہ ان گھوڑوں کے قریب گئی ان کے سموں کے قریب جا کر کہہ رہی تھی تمہارے سوار تو نہیں پہچانتے مگر تم تو حیوان ہو تم تو جانتے ہو میں امام کی بیٹی ہوں مجھے راستہ دے دو. جزاک اللہ. ادادارو سکینہ کی فریاد پر حیوان بلک کر رونے لگے گھوڑوں نے اپنی ٹاپیں اٹھائی سکینہ کو راستہ دیا. سنو گے جملہ اب برداشت کر لینا بس اس کے بعد جلوس برآمد ہو جائے گا. سکینہ چلتی ہوئی اس نشیب کے قریب پہنچی جہاں شمر سینہ حسین پہ سوار تھا. جا کر سکینہ نے کہا شمر میری ایک بات سن لے. شمر متوجہ ہوا خنجر اٹھا کر سکینہ کی طرف دیکھا. ہاں کیا بات ہے سکینہ. شمر پہلے تو میری ایک بات کا جواب دے دے. شمر کیا تیرے کوئی بیٹی نہیں ہے. اب ماتم کرو ادا دارو.
शिमर क्या तेरे कोई औलाद नहीं है जो इस तरह बेटी के सामने बाप को ज़बा कर रहा है। शिमर ने कहा मैं कुछ नहीं जानता। सकीना ने कहा मेरे बाबा को छोड़ दे, मेरे बाबा को छोड़ दे। शिमर जब नहीं माना तो सकीना दौड़ी, दौड़कर हुसैन की गर्दन पे गर्दन रख दी। अच्छा जालिम इतना तो कर सकता है कि ये खंजर पहले मेरी गर्दन पे चला दे, पहले मेरी गर्दन पे। जदा कल्ला बस अब मातम करो एक जुमला, पहले मेरी गर्दन पे ये खंजर चला दे, फिर मेरे बाबा को ज़बह करना। अदादारो सकीना जब हुसैन की गर्दन पर गर्दन रख के लेट गई ना, शिमर ने खंजर फेंका। सकीना को तसल्ली हुई, शायद जालिम को तरस आ गया। सकीना को कुछ तसल्ली हुई, शिमर के दोनों हाथ खाली हुए। कहता रहा सकीना तेरे बाबा को छोड़ दूं? हाँ मेरे बाबा को छोड़ दे। शिमर आगे बढ़ा, अदादारो मेरी जबान जल जाए। सकीना कहती रही मेरे बाबा को छोड़ दे। शिमर ने आगे बढ़कर एक हाथ से सकीना की कलाई पकड़ी, दूसरे हाथ से तमाचा गाली गाली। दूसरे हाथ से तमाचा मारा, सकीना दूर जा गिरी। सीने हुसैन पे आया, खंजर चलाया। सकीना फरियाद कर रही है, ए बाबा ए चचा अब्बा, ए चचा अब्बा मेरे बाबा को बचा। बात में उसको